अरे ऐसे आंखों पे ग्लिसरीन और नाक और मुंह पे लिपस्टिक लगा करके अगर तू सच में सोचता है ना कि तेरी जो बचपन की प्यार है वो तेरे बचपन की प्यार को भूल जाएगी, तो भाई मेरी बात सुन। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, बचपन का प्यार तो वो तू भूल जा। तेरे माँ बाप भी तुझे किसी दिन भूल जाएंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। और अगर तेरे कोई बचपन का प्यार है भी, तो वो लड़की भी ये चुतियापा देख के सिर्फ एक ही बात बोली होगी तेरे को। से ना हो पाएगा। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आजकल जब भी मैं फेसबुक इंस्टाग्राम खोलता हूं ना, तो मेरे सामने हमेशा एक ही चीज आता है और वो है जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार। मतलब पहले तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया इसको कि यार ये बच्चे ने इस गाने को बहुत अच्छा गाया है, और इस गाने को सुन के मेरा भी जो बचपन का प्यार है वो भी मेरे को बहुत अच्छे से याद आ गया। एक बार मतलब नॉस्टैल्जिक हो गया मैं तो। और इस बचपन के प्यार ने मीमर्स को कितना सारा कंटेंट दिया, और मैं वो मीम्स देख के, बचपन के प्यार वाला मीम्स देख के मैंने भी बहुत इंजॉय किया। लेकिन यार हर चीज का ना एक लिमिट होता है, एक लिमिट के बाद ना अच्छे से अच्छा खाना भी तुम्हें मतलब इतना ज्यादा कड़वा लगेगा तुम्हें, तुम बता भी नहीं सकते। वो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। मेरे साथ भी हुआ, जब भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे वो फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया खोलता हूँ आजकल के दिनों में, सिर्फ एक ही चीज बचपन का प्यार, बचपन का प्यार देखते देखते मेरा आंखों आंखों में मतलब दर्द हो गया। और उसके ऊपर घाव में नमक छिड़ने वाला काम तो किया है हमारे देश के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉक के टैलेंटेड कुछ लोग, जिन्होंने बचपन के प्यार पे अपना टैलेंट शो किया, जिसे देखकर मेरे आंखों में परमानेंट बवासीर हो गया। तो मैंने आज सोचा कि मैं क्यों ना मैं इस बचपन के प्यार में थोड़ा सा रिसर्च करूं, और इस बचपन के प्यार जो गाना है उसका ओरिजिन क्या है, और इस बच्चे का नाम क्या है और कहाँ से आया है, वो तुम लोगों को मैं बताऊं। और इस बचपन के प्यार में जो हमारे टिकटॉकर्स ने जो आंखों में बवासीर कर देने वाला जो टैलेंट दिखा है वो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि यार मैं अकेला क्यों सफर करूंगा, मैं डूबूंगा तो तुम्हें साथ में लेकर डूबूंगा। अच्छा, क्योंकि यार देखो दुख बांटने से तो दुख कम होता है ना। तो चलो यार अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का बकचोद सर्कस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई मुझे ये बताओ कि बचपन में प्यार किसका होता है। नहीं मुझे बताओ यार कोई। हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने अभी अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने बोला था कि ये बचपन का प्यार गाना सुन के इस बच्चे के मुंह से मुझे मेरे बचपन के प्यार को याद आ गया, मतलब मैं नॉस्टैल्जिक हो गया, मैं अपने बचपन में चला गया और बचपन के प्यार को मैंने याद किया। हाँ मैं जानता हूँ, तो पूरी बात सुनो मेरी। तो पहले मेरा बचपन का जो प्यार है ना वो है टॉम एंड जेरी, शिनचैन, डोरेमोन, ये सब मेरा बचपन का प्यार है। और ये सिर्फ बचपन का प्यार नहीं है, ये अब भी मेरा प्यार है। मैं अब भी इसको देखता हूँ, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। लेकिन मैं जिस प्यार की मैं बात कर रहा हूँ वो है आजकल के निब्बा निब्बियों वाला प्यार। और मैं 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां क्रिकेट खेलने की उम्र में क्रिकेट खेल के पड़ोसी के शीशा तोड़ने के बजाय एक दूसरे का दिल तोड़ रहे हैं, स्कूल का होमवर्क करने की बजाय प्यार कर रहे हैं। तो भाई इस टाइप का प्यार की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल छोटे छोटे बच्चों के बीच में इतना ज्यादा प्यार देखकर ना मेरे मेरे तो कभी कभी ये दिमाग में आता है कि शायद मैं ही शायद पुराने जमाने का हूँ और मुझे इस मॉडर्न जेनरेशन से मेरे को एडेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब 5 से 6 साल का बच्चा था ना तो मैं तो टॉम एंड जेरी, शिनचैन ये सब देख देख के बड़ा हो रहा था। एक दूसरे के प्यार में चुम्मा चाटी करके तो मैंने बड़ा नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ मार ही खाई है अपने माँ बाप के हाथों और कुछ नहीं। खैर जब भी मैं इन 5 से 6 साल के बच्चों को इंटरनेट पर एक दूसरे के प्यार को इजहार करते हुए देखता हूं ना तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलता है, वो है कि देश संकट में है। तो अब बचपन के प्यार पे वापस आते हैं। तो तुम लोगों को शायद नहीं पता ये जो बचपन का प्यार जो फेमस गाना है वो ओरिजिनली आया है मेशवा फिल्म्स नाम का एक यूट्यूब चैनल से, और ये गाना 2 साल पहले रिलीज हुआ था, जिसका असली पब्लिसिटी इस बच्चे के बाद आया है। मतलब इस गाने का जो 90% ऑडियंस है ना वो इस बच्चे के गाने को सुन के ही आया है वहां पे, और वो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से दिख रहा है। जैसे कि तुम लोग देखो सबसे पहला कमेंट ही
है, मैं भी इस बच्चे का वीडियो देख के आया हूँ इधर। तो मुझे लगता है पर्सनली कि मेशवा फिल्म्स को ना इस बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए कि इस गाने को इतना ज़्यादा पब्लिसिटी दिया है। और वैसे तुम लोग जरा इसका ओरिजिनल वर्जन तो सुनो, बचपन का प्यार वाला। खैर मैं तुम लोगों का तो नहीं जानता, लेकिन मेरा जो पर्सनली जो मानना है कि बचपन का प्यार का जो ओरिजिनल गाना है उससे ज़्यादा मुझे इस बच्चे का वर्जन मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे ने बिना म्यूजिक के बिना कुछ के मतलब बहुत ही अच्छा गाया है। वैसे ये जो बच्चे ने इस गाने को गाया है ना उसका नाम है सहदेव और वो छत्तीसगढ़ में रहता है। मतलब सच में हमारे देश में कितने सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो इतना अच्छा गाते हैं, और अगर उन लोगों को सही गाइडेंस मिला सही मौका मिला तो वो आगे बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं। अब तुम लोग जो टोनी कक्कर बादशाह के फैन हो और मुझसे डिसएग्री करते हो कि यार इस बच्चे ने इतना भी अच्छा नहीं गाया है, यार इसको इतना भी टैलेंटेड ये बच्चा नहीं है और इसको बेकार में इतना ज़्यादा फुटेज मिल रहा है, इतना ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रहा है, तो तुम लोग ज़रा इस बच्चे का जो गाना है इसको ऑटोट्यून वर्जन ज़रा सुनो ज़रा। तो यही बात है ना कि ऑटोट्यून लगा करके गांड को भी चांद एक और एक क्रो को भी तुम कोयल की तरह मीठा और सुरीला बना सकते हो। वैसे मुझे पर्सनली ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि बादशाह ने अनाउंस किया है कि इस बच्चे के साथ वो एक कोलैब सॉन्ग लाएगा बहुत जल्दी और इस बच्चे को म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ब्रेक देगा ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने और भी ज्यादा प्रेजेंट कर सके। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर इस बच्चे को अरिजीत सिंह या सोनू निगम कोच करते और ट्रेनिंग देते तो सबसे अच्छा होता, क्योंकि इस बच्चे में जो पोटेंशियल है वो इन जैसे धुरंधरों के हाथों ही बहुत अच्छे से निखार सकते थे वो लोग। अगर ये लोग इस बच्चे को ब्रेक देते या फिर ये लोग इस बच्चे को कोच करते तो इस बच्चे का जो पोटेंशियल है वो सबसे सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता था। मेरा बस डर यही है कि ऑटोट्यून के इस चीप वे में इसका जो टैलेंट है ये टैलेंट वेस्ट ना हो जाए, बस यही इतनी सी बात है। अब बचपन के प्यार के इस आग में हमारे देश के कुछ एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग जैसे कि टिकटॉकर्स और जो रील्स बनाते हैं वो लोग अपना टैलेंट ना दिखाए या फिर कैसे चलेगा। तो बस यार मैं आज तुम लोगों के सामने कुछ ऐसे ही रील्स दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम भी बोल उठोगे। वाह, इस दीदी ने अपने चेहरे पे इतना फिल्टर यूज किया है कि इसके चेहरे को अगर मैं लाइट बल्ब की तरह यूज करूँ ना तो पूरा का पूरा शहर को मैं उजाला बना सकता हूँ और पूरे के पूरे शहर के एक भी घर में बिजली का प्रॉब्लम नहीं होगा। और दीदी के तुम लोग कपड़े देखो यार, ये दीदी तो मुझे सच में बहुत गरीब लग रही है। अब कुछ लोग जो निब्बा निब्बी है वो अगर मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बोले ना कि भाई यार ये फटा जीन्स नहीं है, ये तो बस फैशन है आजकल का, मॉडर्न फैशन है, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये जीन्स पहन के घर से बाहर निकला या फिर घर के अंदर मैंने इस तरह के जीन्स को, फटी हुई जीन्स को मैं घर में अगर लाया ना, मैं लाने की अगर मैंने हिम्मत की ना, तो जीन्स का जिस भी पार्ट भी सिला हुआ है, जो कुछ भी आधा अधूरा पार्ट भी सिला हुआ है ना, वो भी चीर के फाड़ देंगे और मुझे अपने घर से परमानेंटली निकाल देंगे और फिर मुझे सच में कच्छा पहन के लोगों के सामने भीख मांगना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे पक्का लगता है कि सड़क पे ये भिखारियों की तरह पैंट पहन के इसको मुजरा करते हुए देख लोग इसको भिखारी या फिर मुजरे वाली समझ के चिल्लर फेंक के ना मारे। और जैसे इसकी हरकतें है ना, जैसे इसका वीडियो है ना, लोग तो दोनों सोचेंगे कि एक मुजरे वाली और एक भिखारी, दोनों समझ के इसको पैसे फेंकेंगे। मतलब साइड बाय साइड अर्निंग भी हो जाएगा ऐसे करके, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग है हमारे दीदी का। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे चस्सा मेरा प्यार। लड़की को देख के मुझे पर्सनली ये लगता है कि टट्टी का प्रेशर बहुत जोर से लगा है, क्योंकि देखो यार इतना प्रेशर आया है कि लिपसिंग भी नहीं हो रही है इस दीदी से। मुझे तो डर लग रहा है कि वीडियो खत्म होते होते
कहीं पैंट में ही ना सारे का सारा कांड हो जाए। अरे दीदी, पहले बाथरूम हो जाके हल्का हो लो, फिर बाद में रील्स बनाना, फिर बाद में अपना टैलेंट दिखाना, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। आए हाय, मेरे क्यूटी पाई, मेरे निब्बियों के दिल की धड़कन, उनके रातों के नींदे चुराने वाला पोस्टर बॉय। मतलब मैं तो इस लौंडे को देख के मुझे इतना ज्यादा प्राउड फील होता है ना, क्योंकि देखो यार, जरा ध्यान से सोचो, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ लड़कियां ही 10 किलो मेकअप और शगुन के 101 लेयर फिल्टर लगा के हम लौंडो के झूठा सपना दिखा रही थी, हम लौंडो का काट रही थी दिन दहाड़े। मतलब जब एक लौंडा पहली बार मेकअप में अपने क्रश या फिर अपने गर्लफ्रेंड को देखता है ना, तो उसके मुंह से उस गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ एक ही बात निकलती है, और वो है नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। पर जब मेकअप फिल्टर ये सब उतरता है और असली चेहरा उस लौंडे के सामने आता है ना, तो फिर उस लौंडे के दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, लेकिन हमारे देश के टिकटॉक वाले लौंडे अपने मुंह पे लौंडियों जैसा मेकअप और फिल्टर लगा के लड़कियों को भी एक झूठा दिलासा दे रहे हैं, उनको भी पेबैक दे रहे हैं, जो हम लड़कों ने इतने इतने सालों से जो धोखा सहा है उसका बदला रहा है ये बंदा। मतलब रेस्पेक्ट है। पर्सनली निब्बियों के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि निब्बियों को ये भी नहीं पता कि ये इनका ही टेक्निक इन पर ही यूज कर रहा है, इनका चूतिया काटने के लिए। मतलब कितने बड़ी ट्रेजेडी है। खैर, इस बहाने लड़कियों को थोड़ा एहसास तो होगा कि हम लौंडों के दिल पे क्या बीतती है, जब हमको ये सफेद झूठ दिखता है, हमारे सामने एक सपना दिखता है, और जब वो सपना टूटता है और असली चेहरा हमारे सामने आता है, तो हमको कैसा लगता है। अरे अरे, ये हवा में किसको अपनी गांड मारने का न्योता दे रहा है। और भाई, मेरे आंखों के सामने ये सस्ता वर्जन वाला ट्वर्किंग देख के ना मेरे आंखों में सच में कैंसर हो गया। अब तो मुझे इस कैंसर को हटाने के लिए लाना रोड्स, मिया खलीफा, सनी लियोनी और जेनी डेनियल्स का कॉम्बो ही लगेगा मेरे को। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और मेरे भाई, उतर जा वहां से, अगर कोई हल्का सा भी धक्का देना तो फिर बचपन का प्यार तो छोड़ो, अस्पताल का बेड भी तुझे नहीं मिलेगा इस कोविड सिचुएशन में। देखो इस लौंडो को, आपने बचपन के प्यार प्यार में कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा दिया लौंडिया को। बेटे, बड़े हेवी ड्राइवर हो रहे हो। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे मेरे मनबुद्धी भाई और उसकी बहन, तुम लोगों को अपना बचपन का प्यार दिखाना है, तुम लोगों को बकचोदी करनी है तो तुम लोग करो, लेकिन यार अपनी बकचोदी में उस बेचारे जानवर को क्यों बीच में लाए हो यार, उसकी क्या गलती है। बेचारा वो कुत्ता भी सोचता है इस बकचोदी को देख के, उस कुत्ते के पिल्ले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे यार, उसको तो जाने दो। तुम लोग उस कुत्ते के बच्चे के आंखों में देखो यार, उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, तीनों इमोशन एक साथ दिख रहा है मुझे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और अपने अपने बचपन के प्यार को याद किया है, तो तुम लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस जोकर की बकचोदी और देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा बन के आएगा बेल आइकन, उसको भी दबा देना, ताकि इस बकचोद सर्कस का एक भी शो तुम लोग मिस ना करो। देखो यार, प्लीज कर दो, नहीं तो मुझे अपना बचपन का प्यार फिर कभी नहीं मिलेगा। अब चलो यार, मैं भी चलता हूँ। बाय बाय।